हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आपने जो लास्ट व्लॉग देखा था उसमें हम लोग अमीर फोर्ट से निकल चुके थे और अभी हम लोग जा रहे हैं, उसी के आगे का ये व्लॉग है। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं चौकी धानी के लिए और आज के व्लॉग को बहुत आप लोग एंजॉय करने वाले हैं, मैं 100% बोल सकती हूँ, क्योंकि आज के व्लॉग में आपको डांस, मस्ती और सब कुछ मिलने वाला है। तो दिल थाम के बैठिए और व्लॉग को एंजॉय करिए, अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो आप व्यू देख रहे हैं, इसका व्यू आपने दिन में तो मेरे व्लॉग में कई बार देखा होगा, बट रात में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने फिर से ये रिकॉर्ड किया है। ये ओल्ड पिंक सिटी है। आपने रास्ते का व्यू देखा, कितना सुंदर लग रहा था, पूरा लाइट से सजा हुआ था। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चौकी धानी, तो बस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे वेलकम किया जाएगा और मेरे साथ साथ आपका भी वेलकम होगा। फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं चौकी धानी। कितने का टिकट है? 900 रुपीज पर हेड। अच्छा, पर हेड है ना? हाँ। ओके, उल्टा था। हाँ, ये सही है। आ जाइए आ जाइए। अभी यहाँ से हमारी एंट्री हो रही है। लो बेटा, करना है? चलो चलो चलो। टिकट टिकट। अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और आप अंदर का माहौल देख रहे होंगे, कितना बढ़िया सजा हुआ है। बस एक ही बात है कि थोड़ा सा अंधेरा है, मतलब ये आपको सीन ऐसे ही पूरा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रात में मैंने शूट किया है। रात में चौकी धानी आने की बात ही अलग होती है। अभी यहाँ पे मिल रही है राबड़ी, जो कि ये सब लोग पी रहे हैं, गर्मा गर्म राबड़ी। इधर मैंने अभी आपको दिखाया राबड़ी, कुछ छाछ की कढ़ी टाइप की होती है, नमकीन। जागरूक
तो अभी हम लोग चारों तरफ घूम चुके हैं, देख रहे थे क्या क्या कहाँ कहाँ पे क्या क्या स्टॉल लगे हुए हैं, और अब हम लोग आ गए हैं अपने डिनर के लिए। तो चलिए अंदर दिखाते हैं आपको डिनर की क्या प्रिपरेशन चल रही है। चप्पल जूते राम 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 बटर आ गया है। बटर पे तो भाई हमारा हमला ऑलरेडी हो गया, देखो ये वाला तो आधा कर दिया हमने। सैलेड दाल की पकौड़ी चटनी खा रही हो? बटर खा रही हो? हाँ प्रियु को अच्छा लग रहा है। अभी तक हमारी प्लेट में क्या क्या आ चुका है, ये है सैलेड, ये है सरसों का साग, ये है बेसन गट्टा, ये है आलू प्याज, ये चटनी की वैरायटी है, इधर बटर है, और ये पकौड़ियाँ हैं, ये दाल है, साथ में ये है मक्के की रोटी, और ये है चूरमा। अभी हमारी बाटी आनी बाकी है। तो हमारी पूरी खाली जो है वो परफेक्ट लग चुकी है। चलिए अब खाने को एंजॉय करते हैं। गोंद का हलवा, गोंद पाक। तो ये है गोंद पाक का हलवा, आप यहीं से देखिए और मैं आपको बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा है। तो हम लोगों का डिनर हो गया है, खाना बहुत ही डिलीशियस था, बहुत टेस्टी था, और बहुत ही प्यार से खिलाए थे ये लोग, बहुत अच्छे से हम लोग को अच्छे से खाना खिलाए, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत पेट भर गया है। अब हम लोग आगे अपना चौकी धानी में घूमने के लिए निकल रहे हैं, और आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है इसमें। मैंने बोला ना आपको स्टार्टिंग में कि डांस भी है, तो जी हाँ, आपको मेरा और मेरी सिस्टर इन लॉ का साथ में डांस मिलेगा साथ। सो अभी हम लोगों का डिनर हो गया है, जो कि काफी अच्छा डिलीशियस था। कैसा लगा आपको आज का डिनर? जब भाई कहर धगन, बहुत ही अच्छा लगा। और अभी मेरे फोन की बैटरी जा चुकी है, तो देखते हैं कि किस फोन से मैं रिकॉर्ड करती हूँ, और चलते हैं अभी पहनते हैं अपने शूज। कैसा लगा? अच्छा लगा।
कैसा लगा हम सबका डांस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पापा जी ने, हमने, वर्मा जी ने और मेरी सिस्टर इन-लॉ ने सबने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। और ये वीडियो एडिट करते करते मेरी सारी मेमोरी जो है वो फिर से रिपीट हो रही हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। पहले हम लोगों ने सोचा कि करते हैं कैमल राइड, लेकिन एक्चुअली उसमें क्या है, सैडल नहीं था, मतलब कि उसमें पैर रखने वाला जिसमें स्टैंड होता है, सैडल बोलते हैं उसे, तो वो नहीं था। और अभी बहुत लंबी लाइन लगी थी, तो अभी हम लोग वहाँ से आगे आ गए हैं और अभी हम आए हैं हल्दी घाटी। तो चलिए अंदर दिखाते हैं आपको। पुष्कर घाट है, देखो आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, अंधेरा हो गया ना। भाई खतरनाक, सोचो कैसे होता था। और यहाँ पे ऐसी चिता बनी हुई है, इसी पे सारी लेडीजें कूद गई थी ना। तो चलिए, अभी आपने नाच गाना मस्ती खाना सब कुछ देख लिया है, अब थोड़ा सा एलिफेंट राइड भी कर लेते हैं और हम साथ साथ वाला गाना थोड़ा फील कर लेते हैं। जब मैं बैठी ना एलिफेंट के ऊपर तो मेरे को वही वाला सॉन्ग ही याद आ रहा था, हमारे हिबड़ा में नाचे मोर। तो क्या आप लोगों को भी ऐसा कभी हुआ है, आपने एलिफेंट पे जब बैठे हों आप लोग तो बताइएगा मुझे कॉमेंट करके। चलिए अपनी एलिफेंट राइड को फिर से इंजॉय करते हैं। प्यार का सावन आया है संग प्रीत, लग रहा है। और जैसे वो सॉन्ग था ना, भारे गिवड़ा में नाचे मोर, वही वाली फीलिंग अभी हमें आ रही है। पीयू डर रही थी तो वो नहीं बैठी। भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ, पुराने टाइम के जो राजा महाराजा होते थे वो कैसे चलते थे, इसमें बड़ा डिफिकल्ट है यार इसमें चलना। ये देखो सामने, भारे गिवड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया। अच्छा लगा? तो अभी हम लोग ने कर लिया है एलिफेंट राइड और बहुत मज़ा आया देख करके भी और करने के बाद भी बहुत अच्छा लगा था। और अभी मेरी सिस्टर इन लॉ भी गई हैं एलिफेंट राइड के लिए, और पीहू नहीं गई थी क्योंकि वो डर रही थी, एक्चुअली वो अभी छोटी है इस वजह से एलिफेंट में बैठने से डर रही थी। बट नेक्स्ट टाइम उसको हम लोग ज़रूर कभी ले जाएंगे कहीं, तो उसको भी एलिफेंट राइड कराएंगे। यहाँ पे गेम्स चल रहे हैं और इधर है शूटिंग का। जाओ बेटा, हम जाते हैं।
चिंकी दी आप भी कर रही हो? ये आगे 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 पीयू के लिए चश्मा आ गया। अब तो आ गया चश्मा। मेरा नंबर। ले लो क्या पार्सल, तीन दे दो। क्या तो हम लोगों ने बहुत सारे गेम खेले हैं, आगे आपको और अच्छे अच्छे गेम्स भी देखने को मिलेंगे। तो फुल एंजॉय किया हम लोग ने चौकी धानी में जा करके। आप लोग हैं जो कौन कौन जा चुके हैं मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मुझे अच्छा लगता है आपके सारे कमेंट्स को पढ़ना। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। और हाँ, ये मैं जानती हूँ थोड़ा सा लेट हो गया है मुझे ये सारे वीडियोज़ डालने में, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट मैं जानती हूँ आप लोग जितने लोग मेरे वीडियो को देखते हैं वो इंजॉय करते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो इसी तरह प्यार और सपोर्ट रखिए। ये चला गया। देखो हो तो बहुत सारे इधर गेम भी हो गए हैं। और अब हम लोग निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। मेरी बैटरी अभी तक चल रही है, 2% बची है। मैं सोच रही हूँ जब तक इस फोन में जान है तब तक मैं इसको यूज कर लेती हूँ। तो जब तक है जान। तो हम लोग यहाँ से निकल ही रहे थे तो एक देखा यहाँ पे जादूगर बैठे थे। ये जादूगर क्या हैं? बस ये हाथ की सफाई करते हैं। इनकी बातें सुनिए और इनका काम देखिएगा, कितना अच्छा काम और कितना सही काम ये आपके सामने करके दिखाएंगे। तो यहाँ भैया जादू करने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं कि क्या क्या। ये देखिए शेष नाग के नीचे बैठे हुए हैं। तीन बार घुमाएंगे असली है या नकली है? असली है, दे दो सर वापिस। सर कौन से साल का कोई ने? आपको देखा नहीं? नहीं देखा। लो मैडम कैच करो। 2020 वापिस करना रख मत ले। लो सर देख के यहाँ देखो मैडम। ये तो भैया पत्थर है। हो गया जादू, जादू हो गया। हो गया जादू, जादू सर हो गया जादू। मैडम स्टोर के पैसे आ गए, यहाँ के पैसे आ गए। मैडम ये आप रखो, 1 रुपया वापिस दो। सर आपको कॉइन दिया था ना? दिया था। हमारे गवाह यही बैठे हैं मेरा। मैडम ये कैसे है? 1 रुपया वापिस दो। कहाँ लेके दो? पत्थर कैसे हो गया? मिले नहीं है कॉइन। वीडियो में रिकॉर्डेड है, वीडियो में रिकॉर्डेड है। तो इसको दूसरा बनाएंगे सर। भैया वो सर हाथ खाली और वही मट्टी उठाएंगे और 3 बार घुमाएंगे। ओके देखो फिर बन जाएगी। चलो दो हो जाओ। देखो एक मुट्ठी में
पहले से थोड़ी जड़ी लाएंगे और तीन बार घुमाएंगे और दो कॉइन बनाएंगे और अभी डाला नहीं है। देख लिया। देखो मैडम अभी एक ही है उधर ये खाली ये बिल्कुल खाली है सर देखो देखो हाथ के नीचे ओह भाई मैडम कहाँ पे बताओ ना अभी एक ही को वो नहीं है भाई यार गुड यार और देखो वापिस दिखाते ओ यार वो हमने ऐसे हाथ पे कॉइन रखा था और ऐसे मुट्ठी बंद करा और ऐसे थैले में हाथ डाल दिया तो आपने सोचा कॉइन निकाल लिया देखो सर थैला अलग रखेगी और अब दो कॉइन बना देंगे अभी वो एक कॉइन लो सर अब देखो डबल है या सिंगल है सिंगल है सिंगल है यहाँ डाल दो सर सामने सन देख रहा हूँ इस बार तो ये बोलो सर थैले से निकाल के दो करें या सामने सामने थैले में बहुत रखे देखो यहाँ बनाएंगे देखो एक और दो और वैसे ला खजाने से देखो कॉइन बन के तैयार और देखो ये जादू नहीं है कला है भाई जी अगर मैं इतने कॉइन बनाता ना तो घर छोड़ के यानी बेचता और कला की कदर आप जैसे लोग करते हैं सब व्लॉग को यही फिनिश करते हैं। आई होप आपने आज के व्लॉग को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और अच्छा लगा है तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करिएगा। मिलते हैं कल के व्लॉग में। डे 3 बाय बाय गुड नाइट।